ओके तो एक क्वेश्चन रहा, इसमें देखिए आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्सट्रीमाइजिंग का क्वेश्चन दे रहा है ठीक है, या फिर आपको देगा मिनिमाइजिंग ठीक है, या फिर मैक्सिमाइजिंग ठीक है, इस टाइप का दिया का वर्ड, इसका मतलब है आपका इसका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है ठीक है। अब इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर डीएक्स। मेरा आवाज क्लियर है सबको, और समथिंग यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, फिर हमें एफ आई 1/4 पे निकालना है। ओके आप स्टार्टिंग क्या करेंगे इसमें, मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए हमने पढ़ा था कि ए जो होता है ये हमारा एफ होता है, तो यहाँ पर इसी को नोट डाउन करें, तो एफ हमारा होगा फर्स्ट टाइम है तो मैं इसको नोट डाउन इस टाइप से कर दे रहा हूँ, इसके जो कंपोनेंट्स हैं। ओके ए हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर। अच्छा एक ट्रिक, एक वीडियो मैंने बोला था कि अगर जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ वाई डैश का हो जाएगा तो इसका डायरेक्टली एक्सटर्नल जो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग ये सब ट्रिक यूज करते रहेंगे टाइम टू टाइम जब जैसा आएगा, यही सब होता है। अभी एक्चुअली कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन के बाद स्टेप का आता है, बट आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, या फिर जब कैलकुलस वेरिएशन का क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का वहां पे डायरेक्टली आ रहा है। ओके तो यहाँ पे ए पता चल गया। अच्छा एक वीडियो मैंने ये भी बताया था कि अगर एक से फ्री हो तो आप क्या करेंगे, वाई से फ्री हो तो क्या करेंगे। ओके तो हमारा वो फॉर्मूला याद करिए जो सेकेंड अल्टरनेट फॉर्म था, उसमें क्या था, कुछ डी बाई डी एक्स टाइप का ऐसा था, समथिंग माइनस पूरा का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो था, तो हम लोग वहां से आइडिया लगा रहे थे कि यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्स्टेंट होगा, तो मैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, अगर इसको मैं कैपिटल एफ नाम दिया हूँ तो कैपिटल एफ माइनस अब इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में सॉरी वाई डैश इंटू एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ठीक है। और ये एक से फ्री है तो डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा कुछ कॉन्स्टेंट, आप इसको इक्वल टू सी ले सकते हैं अपने कम्फर्टेबल के अनुसार। ओके अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप पुट करिए जो भी गिवन वैल्यू है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमें क्या है कैलकुलेट करके y का निकालना है कि y हमारा क्या होगा, बस उसी खेल है, क्योंकि देखिए आपका जो y है वही 5x है ठीक है। तो अगर y निकल गया तो हमारा 5x निकल गया, x जो y 1/4 रख देंगे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ तक हम पहुंच गए, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस 2y² वाई डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा या सिंपली ए दोनों तो सेमी टर्म है तो डायरेक्टली हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी ठीक है। ओके तो यहां से हम ऐसे ले सकते हैं दोनों तक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी को मैं कुछ सीवन नाम दे दे रहा हूं, तो अपने पास जो बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर, और इसको डायरेक्टली मैं अपने हेल्प के लिए इसको सी स्क्वायर ले ले रहा हूँ ठीक है, सीवन स्क्वायर ले रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसको, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ज्यादा पूछना चाहें कि सीवन क्या है तो हमारा जो सीवन स्क्वायर है क्या है माइनस सी हो जाएगा, यही मैंने किया है ना, यहाँ से माइनस सी को मैंने सीवन स्क्वायर ले लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो वाई डैश हमारा क्या आ जाएगा, वाई डैश आपका आ जाएगा सीवन स्क्वायर अपॉन में वाई ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिए इंटीग्रेशन करिए ठीक है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो अब डायरेक्टली कैलकुलेशन चल रहा है तो मैं स्क्रीन वो कर दे रहा हूँ। ओके अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग y इंटू वाई डैश इक्वल टू सी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी एक्स, अच्छा सीवन लिया था ना तो सीवन ले लीजिए कोई बात नहीं, सीवन एक्स प्लस कोई अदर कॉन्स्टेंट सी टू ले लीजिए ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। ओके अब आप क्या करिए, आपके पास कुछ कंडीशंस दिए हैं, उस कंडीशंस को पुट करिए डायरेक्टली अब काम बन जाएगा। आपका कंडीशन क्या था कि वाई 0 पे 0 होगा एंड 1 पे 1 होगा। ओके हमें गिवन है कि वाई 0 पे 0 होगा, वाई 1 पे 1 होगा ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास ए इक्वेशन आ गया था ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें तो इसको सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब मेरा थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल जाएगा, 2c1x + 2c2। ओके वाई 0 = 0 क्या इंप्लाई करेगा, 0 = 0 + 2c2, इसका मतलब c2 आपका 0 हो जाएगा
ओके नेक्स्ट हम रखेंगे वाई वन क्या दे रहा है वन, इधर हो जाएगा वन, इधर हो जाएगा टू सी वन, और सी टू तो जीरो ही था तो सी वन यहां से हाफ आ जाएगा, क्या हाफ आ जाएगा? यस सर। ओके तो अब हम अपने ओरिजिनल वाले इक्वेशन में चलते हैं, ओरिजिनल क्या था हमारा, यही था ना, तो सी टू ये जीरो हो गया, खत्म काम है, हाफ हो गया, तो हाफ रखेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू मतलब वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई टू, क्योंकि सी वन हाफ हो जाएगा, यानी इसको हम फाइनली करें तो ये आपका खत्म होके इतना बच जाएगा, क्लियर। और आपका फाइव एक्स क्या था, वाई था, अगर फाइव एक्स वाई था तो फिर ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स। अब आपको क्या निकालना था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइव वन बाई फोर पे क्या होगा, यही ना, कर दीजिए कैलकुलेशन, फाइव वन बाई फोर यहाँ पे रखेंगे तो अंडर रूट वन बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, वन बाई फोर यानी इसको आप वन बाई टू लिख सकते हैं, तो वन बाई टू देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हमने उस टाइम बात किया था एक्सटर्नल का, जब हमारे पास फंक्शनल दिया था तो फंक्शनल को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास एक कंडीशन था, जो नेसेसरी कंडीशन था जिसको हम लोग बोल रहे थे, वो एक कंडीशन था, इसमें कुछ था कि जो हमें ए अंदर वाला दिया रहेगा ये हमारा एफ रहेगा। मैं इसको दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ कि फिर से हम इसी पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो जो लोग भूल गए होंगे उनका एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो इसमें आपको ए रिलेशन बस एक याद रखना था, ए रिलेशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है एक्सटर्नल होने के लिए, तब यहाँ पे एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नाइजिंग फंक्शन, एक्सटर्नल मतलब यही एक्सटर्नाइजिंग फंक्शन, तो पूछ रहा है कि हमारा वाई एक्स क्या एक्सटर्नाइजिंग फंक्शन है, मतलब इसको सोल्व करके जो निकालेंगे जो वाई निकलेगा वो यही निकलेगा। ओके अब बोला कि उसके समथिंग ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये हमने हेल्प कर लिया, इसके हेल्प ले लिया अपने कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, एंड देन जब हमारे सारे कांस्टेंट रिमूव हो गए तब एक्स का वन बाई फोर रखा और डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ओके ए थ्री मार्क्स का क्वेश्चन 2019 दिसंबर में पूछा हुआ है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शनल सब्जेक्ट टू दिस, अब यहाँ से आइसो पेरीमेट्रिक वाला कंडीशन कुछ आप लोग को याद आ रहा है, उसमें क्या था, हमें एक फंक्शनल दिया होगा और एक कुछ समथिंग इस टाइप का दिया होगा, मींस एक का हमें वैल्यू दिया रहेगा और एक फंक्शनल दिया रहेगा, और इन दोनों के हेल्प से हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना होगा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, कहीं कि ये भी नहीं लिखा रहेगा, इसके बदले कुछ और लिख देगा, तो ये चीज हमें आइडेंटिफाई करना था। तो अगर इस टाइप से कुछ दिया हो जहां पे एक दिया हो और एक इक्वल टू वाले में दिया हो तो इस केस में हमारा आइसो पेरीमेट्रिक लगता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको एफ मान लिए, इसको जी मान लिए और एक एच बनाते थे, एच क्या होता था, एफ प्लस लेमडा जी, ठीक है, बस खत्म काम। अब इसके बाद जो आयलर इक्वेशन पिछला में किया था वही करना है, तो एक बार आप लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ साथ। ओके ए था, फिर आप क्या करोगे, आयलर इक्वेशन इस पे लगा दोगे, आयलर इक्वेशन जो थोड़ा देर पहले मैंने करवाया था, ओके वहां से आपको कुछ कॉन्स्टेंट रह जाएंगे। अब ए देखिए, ए सिर्फ वाई पे दिया हुआ है, ठीक है, इस एच पे नहीं दिया हुआ है, तो अब यहां से क्या करोगे, अपना जो सोल्यूशन वाई निकालोगे, तो अगर ये तो हमने इक्वेशन बनाया ना, तो इसमें वाई के टर्म में समथिंग समथिंग आएगा, तो इसको यूज करके कुछ कांस्टेंट रिड्यूस करोगे तो वहां पे आपका लेमडा वाला वैल्यू रह जाता है, तो लेमडा वाला क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो सोल्व करने को इक्वल टू तो दिया ही है, तो वहां से एक वेरिएबल रह जाएगा लेमडा, तो वहां से लेमडा का वैल्यू निकल जाता है, वो लेमडा यहाँ पुट करने के बाद हमारा निकल जाता है कि मीन वो एक्सटर्नल फंक्शन क्या होगा सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एफ प्लस लेमडा जी क्या हो जाएगा, इधर ये वाई डैश स्क्वायर है, ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस इधर वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा, यहाँ पे जी आपका यही था ना पूरा, और ए पूरा एफ था, तो हमारे पास ए इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब आयलर इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, ओके तो यहाँ से करिए तो आपका क्या दे देगा ये, तो ए हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मैं इसी में करेक्शन कर दे रहा हूं, तो ए आपका आ जाएगा टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, करेक्ट, ओके यस सर। तो यहां से फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू को तो हटा देते हैं, कोई मतलब है नहीं, तो यहां से हम लोग वाई डबल डैश माइनस लेमडा वाई इक्वल टू जीरो इस टाइप से बना सकते हैं क्या कुछ, ओके मैं साथ में मिटा भी दे रहा हूं ताकि हमें नेक्स्ट कैलकुलेशन भी करना है ना, तो जगह होना चाहिए।
तो अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में आता हूँ डायरेक्टली, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सिंपली हम लोग पढ़े थे डी, इसको ले लीजिए डी स्क्वायर माइनस वाई है ना, तो वन सॉरी लेमडा है ना, लेमडा। इसको कुछ ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते थे, रफली याद होगा सबको, जेम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब यहां से हम लोग सोल्यूशन निकालते थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल कर लेना, डायरेक्टली करते हैं, जैसे डी स्क्वायर इक्वल टू होगा तो इसको हम लोग ऐसे करते थे, अगर डी लेमडा इक्वल टू जीरो है या लेमडा नन जीरो है, नन जीरो होगा तो लेस देन ग्रेटर देन, तो मान लो कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ लेमडा इक्वल टू वन हुआ तो हमारा डी इक्वल टू प्लस माइनस वन आता था, फिर हम लोग वाई इक्वल टू सोल्यूशन निकालते थे सी वन ई टू। अगर मान लीजिए प्लस माइनस लेमडा हुआ तो लेमडा एक्स प्लस सी टू ई टू माइनस लेमडा एक्स, इस टाइप का कुछ हम लोग कैलकुलेशन करते थे। तो हम बोलते थे हमारा सोल्यूशन होगा, इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग वाई सी मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, मैं डिफरेंशियल में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, यही चीज यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो पूरा करने से पहले ऐसे कि डायरेक्टली हम लोग अच्छा इस क्वेश्चन को अभी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये दिया हुआ, तो यहाँ से केस ले लेते हैं क्योंकि बात वहीं बनेगा। डिफरेंशियल याद हो तो या तो लेमडा जीरो होगा या लेमडा नन जीरो होगा, ठीक है। नन जीरो होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि लेमडा पॉजिटिव होगा या फिर लेमडा निगेटिव होगा, ठीक है। याद होगा कि इस केस में हम लोग क्या करते थे, अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ तो लेमडा बराबर कुछ म्यू स्क्वायर ले लीजिए, अगर निगेटिव हुआ तो लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, ऐसे कुछ लेते थे। अब कोई जरूरी नहीं कि म्यू ही लेते थे, आप लोग कुछ भी जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वो भी ए बी सी डी कुछ भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, तो आप वो चीज ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते थे कुछ, मैंने ले लिया म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, अगर लेमडा जीरो हुआ तो ये फिर क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। और इसका सोल्यूशन हमें पता है क्या होता था, वाई इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन होता था। ओके, और मैं एक बार यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर दे रहा हूँ, वाई जीरो इक्वल टू जीरो था और जीरो पे जीरो और पाई पे भी जीरो था। ओके, पाई पे भी जीरो था, ठीक है। अभी देखिए जीरो पे जीरो, अच्छा एक चीज और, जब हम इस टाइप का काम करते हैं ना तो हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रिवियल का कोई मीनिंग नहीं होता, ट्रिवियल तो हम डिस्कार्ड करने के लिए करते हैं, वो आपका अबस्ट्रैक्ट में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ जीरो वाला क्या इम्प्लाई करेगा, वाई जीरो इम्प्लाई करेगा कि बी इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा, उसी तरह वाई एट पाई जीरो क्या इम्प्लाई करेगा, जीरो इक्वल टू ए पाई, पाई तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, तो ट्रिवियल आ गया ना, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। और आप ये सोच रहे होंगे हम इसको क्यों छोड़ देंगे, अभी तक तो सोल्यूशन आ रहा, तो सिंपली आप इसको देखिए, हमारा सेकंड कंडीशन क्या दिया, सब्जेक्ट टू दिस, अगर हमने वाई इक्वल टू जीरो ले लिया तो जीरो का इंटीग्रेशन अब जीरो टू पाई करोगे तो कभी वन आएगा नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे ठीक है। तो अगर आप वैसे ट्रिवियल से नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीरो वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अतः ये ऑप्शन नहीं हो। इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाता है बट आंसर गलत होने का कोई संभावना ही नहीं है आपका। इसमें अबस्ट्रैक्ट में क्या होता है, टोपोलॉजी में क्या होता है, फंक्शनल में क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है, सोच के आंसर मारना पड़ता है, तो गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ गलती होने की 1% भी संभावना नहीं है, मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली 4.75 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनको मैं मिटा देता हूँ, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, इसको मिटाना था ना, मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ बीच में। तो हमें ये पता चल गया, अब हम दूसरा लेते हैं, अगर लेमडा हमारा पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। लेमडा पॉजिटिव हुआ तो कुछ इस टाइप का होगा, अच्छा लेमडा पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली यहाँ से जो हमारे आइगन वैल्यू कह लीजिए, रूट कह लीजिए, जैसे भी आप समझते होंगे, तो यहाँ से प्लस माइनस इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मानना चाहें तो लेमडा वन और लेमडा टू मान लीजिए, जहां लेमडा वन हो जाएगा लेमडा टू हो जाएगा, तो यहाँ से सोल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा सी वन, जो थोड़ा देर पहले बताया था ई टू, हमारा होता है लेमडा वन एक्स प्लस सी टू ई टू लेमडा टू एक्स। हम लोग जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे इस टाइप से, क्योंकि होमोजीनियस है तो यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा, तो इन जनरल पता है ना कि अगर यहाँ एफ एक्स होता था तो सोल्यूशन हमारा क्या होता था, वाई सी एफ प्लस वाई पी आई, मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके जगह अधिक से अधिक हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी वन ई टू लेमडा एक्स
प्लस सी टू ई टू माइनस लेमडा एक्स। ओके अब यही कंडीशन फिर से रखिए, जीरो पर रखेंगे तो क्या देगा हमारे पास, जीरो पर लेफ्ट साइड इक्वल जीरो, इधर हो जाएगा सी वन प्लस सी टू। अब अगेन पाई रखेंगे तो क्या देगा, फिर से जीरो देगा, तो क्या हो जाएगा सी वन ई टू रूट लेमडा पाई प्लस सी टू ई टू माइनस रूट लेमडा पाई। और आपको पता होगा इस टाइप का कभी भी सोल्यूशन हमारे पास आता था साइमल्टेनियस सिस्टम या फिर ऐसे लिनियर इक्वेशन दो आता था जिसमें इस टाइप का एक्टिविटी हो, तो डायरेक्टली क्या होता था सी वन बराबर सी टू बराबर जीरो। ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए हिंट दे दूं, यहां से आप क्या सी वन इक्वल टू माइनस सी टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस सी वन इक्वल टू माइनस सी टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या दे देगा सी वन ई टू ए समथिंग, मैं इसको ऐसे डब्बा लगा दे रहा हूँ, सी टू ई टू ऐसे समथिंग। अभी सी टू क्या बन गया, माइनस सी वन बन गया ना। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस सी वन ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब दोनों में सी वन कॉमन है, तो अब सी वन लेके अंदर का लिख सकते हैं, ए बी ई का सम टर्म है, ए बी सम ई का टर्म है, अब दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो इक्वल नहीं है तो अंदर वाला पोर्शन तो जीरो होगा नहीं, तो आपके पास क्या बचा सी वन बचा, तो सी वन जीरो होगा, सी वन जीरो होगा तो यहाँ से दोनों क्या है एक दूसरे का माइनस टाइम है, तो ए भी जीरो होगा, तो यहाँ से भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि सी वन सी टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से सी वन सी टू जीरो हो गया, मतलब आई इक्वल टू फिर से क्या आ गया जीरो आ गया, और हमने देखा था कि अभी जीरो वाला के सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो फिर से ट्रिवियल आ गया तो फिर से सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ए भी ऑप्शन डिस्कार्ड, मतलब जीरो भी डिस्कार्ड, ए भी डिस्कार्ड, तो हमारे पास एक ए बचा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि हमारे पास लिखने के लिए स्पेस बच जाए। ओके, तीसरा केस हमारे पास ये बचा, तो माइनस तो इस केस में आपको डायरेक्टली पता होगा कि एक इस टाइप का होता था, दूसरा इस टाइप का, और तीसरा जो होता था डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो सी वन पहला कॉस होता था ना, तो कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स, ए सोल्यूशन होगा इस केस में जब हमारे पास है लेस देन जीरो। ये चीज सबको पता है ना कि कैसे आता है, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ से आप जब निकालेंगे ना इस इक्वेशन में पुट करके तो आपका आयोटा के टर्म में आएगा, मतलब ए आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ से यानी ये दे देगा प्लस माइनस आयोटा म्यू, इस टाइप का दे देगा। अब इसको रख के सोल्व करेंगे तो आपका ए इक्वेशन आ जाएगा, तो या तो आप इसको याद रख लें क्योंकि अब एग्जाम में आपको तो इतना थ्योरेटिकली जाना नहीं है, तो आप तीनों केस याद रख लें कि जब पॉजिटिव होता है इस टाइप का होता है, नेगेटिव होता है इस टाइप का होता है, जीरो के केस में उस टाइप का होता है, तो आपका क्या होगा क्विकली आंसर पे पहुंचने में हेल्प करेगा। अदरवाइज पता चला कि आप यहीं एग्जाम में बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसमें कुछ बदलना तो है नहीं। ओके, तब यहां से फिर से हम वही काम करते हैं, ये रखिए तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई जीरो रखेंगे तो यहां से दे देगा सी वन साइन तो जीरो हो जाएगा ना, तो सी वन बराबर जीरो आ जाएगा यहां से, तो ओके चलिए सी वन जीरो आ गया तो क्या आ जाएगा आपका हो जाएगा वाई टू साइन मी मी एक्स हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा फोन, ओके मी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, अब सेकेंड कंडीशन रखिए वाई पाई इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या दे देगा, इधर जीरो हो गया सी टू हो गया साइन एक्स की जगह रखा है ना, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका म्यू और पाई। अच्छा एक चीज देखिए, आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे जब इस टाइप का आता था तो दोनों में तो ट्रिवियल आ गया था, थर्ड यही बचा, अगर इसमें भी ट्रिवियल आ जाएगा तो हमारे क्वेश्चन का मीनिंग ही खत्म, वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते थे कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आने के लिए बोलते थे ये तो नॉन जीरो होगा, सॉरी ये नहीं 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 ओहो मैंने उल्टा कर दिया, इसको C2 को बोलते थे कि नॉन जीरो होगा, अगर C2 नॉन जीरो नहीं हुआ, अगर C2 ही जीरो हो जाएगा हमारा तो इस केस में क्या आ जाएगा, अगर A इक्वल टू जीरो ले लिया तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे कि C2 जो आपका नॉन जीरो होगा, तो फिर क्या बचा, इसका मतलब ये जीरो होगा क्योंकि दोनों ही नॉन जीरो होगा, तो फिर प्रोडक्ट जीरो कैसे आएगा, अब स्ट्रक्ट अलजेब्रा तो पढ़ नहीं रहे जो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जीरो डिवाइजर है चाहे ये फलाना ढिकाना, उसका कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास ये बचा कि अगर C2 नॉन जीरो हो गया, क्यों नॉन जीरो लिया अभी आपको समझ में आएगा, तब ए जीरो होगा, तो ए जीरो होगा तो इसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो जीरो होगा तो आपको पता होगा कि साइन थीटा जीरो कब देता है, जब थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो, जहां एन क्या है नेचुरल नंबर, कोई जरूरी नहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन पाई, जहां एन क्या है
कोई भी इंटीजर, दोनों बात एक ही है, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वल टू जीरो लिया है, तो मतलब हम ले रहे हैं कि म्यू पाई इक्वल टू कुछ एन पाई, या एन क्या है इंटीजर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इक्वल टू एन हो गया, क्लियर। जब म्यू इक्वल टू एन हो गया तो हमने म्यू किसको माना था, इस लेमडा को माना था, तो हमारा लेमडा क्या आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर। तो कहां तक हम लोग पहुंच गए, अच्छा यहाँ एन आ गया, तो लेमडा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैं अलग यूज कर लिया, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू था आपका एन, तो ये हो गया माइनस एन स्क्वायर, क्लियर। तो वहां पे था, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन में और देखिए, हमारा जीरो टू पाई में बात कर रहा है, ठीक है, तो जीरो टू पाई में बात कर रहा था, हम लोग उसमें आ जाते हैं, जीरो टू पाई में बात कर रहा है, इसका मतलब है जो एन पाई है कहां से, एन पाई आपका जीरो टू पाई बिलोंग करेगा, तो एन पाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पाई होगा, इसका मतलब एन इक्वल टू क्या हुआ, वन हुआ, क्योंकि एन तो हमारा क्या जेड से था ना, और इससे छोटा आप जेड से तो जीरो ले सकते हैं, मिनिमम जीरो एन और मैक्सिमम वन होगा, क्लियर। ओके तो यहां से हमारा वाई टू वाई जो हो जाएगा आपका सी टू साइन एन एक्स, ओके, और एन का वैल्यू वन आ गया, तो आपका यहां से वन आ गया, तो आपका वाई जो हो जाएगा सी टू कहां गया, यही था ना हमारा वाई इक्वल टू, ओके, तो सी टू साइन एन का वैल्यू वन आ गया, तो लास्ट में कहीं किया था हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल टू सी टू साइन एन एक्स ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके अब हमारे पास दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन जो y है सेटिस्फाई करता है, क्योंकि देखो ये दोनों हेलो ये दोनों तो हम यूज कर लिए, और इस दोनों से भी हमारा सी टू गायब नहीं हुआ है, सी टू तभी सी टू को गायब करना है ना, तो इसके मतलब हम उस इंटीग्रेशन में रखेंगे, इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है जीरो टू पाई वाई स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू वन, ओके ओके यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो टू पाई सी टू स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स डीएक्स और इक्वल टू क्या है वन है, क्लियर सबको। ओके एक फॉर्मूला और आप लोग देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, वो होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा, इसी फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन है। ओके तो इसके जगह हम लोग ए यूज कर सकते हैं, थीटा की जगह एन एक्स है, तो हम लोग रखेंगे तो जीरो टू पाई हो जाएगा, ये लंबा सोल्यूशन जा रहा है, लेकिन लंबा नहीं है, समझाने के लिए आपका लंबा जा रहा है, अदरवाइज आप जब करोगे तो क्विकली सोल्व करोगे, ऐसे टू स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूँ वन माइनस कॉस टू एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स हमारा थीटा काम कर रहा है अपॉन में टू डी एक्स, ओके ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं, इन सबका कोई काम नहीं है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, ठीक है। ओके हमारे पास यहां तक आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करिए, जो भी आ रहा हो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, सी टू स्क्वायर को तो बाहर ही ले लेते हैं, इस टू को भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है, काम आसान हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और कॉस का करेंगे तो साइन टू एन एक्स अपॉन में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू एन, सही है क्या कैलकुलेशन, ऐसे करते हैं ना हम लोग, यस सर। और इधर हमारा इक्वल टू वन दिया था, तो इसको वन लिख देता हूँ, मैं भूल जा रहा था। ओके तो इस टू को इधर ला देता हूँ, काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, अच्छा इसको देखते हैं एक बार, सी टू स्क्वायर बाई टू था, पाई रखेंगे तो पाई और साइन पाई पे क्या देता है, एन पाई पे जीरो था, तो पाई रखेंगे तो टू एन पाई पे भी जीरो हो जाएगा माइनस जीरो, जीरो रखेंगे तो ये तो प्लस जीरो, और यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो पे फिर से जीरो, तो कुल मिला के हमारे पास इतना आया, तो यहाँ से सी टू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली जाएगा तो टू हो जाएगा और अंडर रूट टू, इतना आया क्या सबका, अरे पाई छूट गया, रुक जाइए रुक जाइए, टू पाई था ना, तो इधर जाके टू बाई पाई बन जाएगा, पाई अपन हो जाएगा, अब सही है, डायरेक्टली रख दीजिए तो वाई
प्लस माइनस भी ले सकते हैं, जिनको डाउट है उसे कोई फर्क पड़ना है नहीं अपना। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सी टू था ना, सी टू साइन एन एक्स था, नहीं था ना, तो सी टू की जगह अब अपना हो गया प्लस माइनस अपना, हम इसको छोड़ते हैं ना, बस लेके चलते हैं जहाँ जरूरत होगा करेंगे, क्योंकि आप सोल्यूशन निकाले ना तो इसका वैल्यू जब भी लेंगे ना तो ये हम पॉजिटिव में लेंगे, बट जब सोल्यूशन निकालते हैं तो प्लस माइनस हम दोनों कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं प्लस माइनस ले रहा था, बाकी और कोई इसका विशेष मतलब नहीं था। अब इसमें से सारे वेरिएबल खत्म हो गए, ठीक है। अब यहां से एन बच रहा है, तो एन आपको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि वाई का इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं, जीरो से पाई में कर रहे हैं, तो पूरा हमारा थीटा काम कर रहा है, और थीटा कहां से बिलोंग कर रहा, जीरो टू एन पाई, तो मैक्सिमम एन एक्स कहां तक जाएगा, तो यही बात फिर से आ जाएगा, क्योंकि आप इस एन को नहीं हटाओगे तो फिर आगे दिक्कत करेगा, आप कैलकुलेशन करोगे किसे। मैं यहां से इसे जनरल भी लेके आया तो क्या हुआ, हमारा यहीं पे काम ही टेढ़ा कर दिया, बस यहाँ पे आके एक जगह एन रह गया, ये तो अब रहेगा, यहाँ से हटाने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ से अपना डोमेन देख के कर लो इसको काम, ठीक है। अच्छा, हमें इसमें पूछना क्या था, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, पूछ रहा था अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू बताना है ना, तब पहले हमें एक्सटर्नल निकालना है, ठीक है। एक्सटर्नल निकाल के जो ओरिजिनल फंक्शनल दिया है, जो ए वाला दिया हुआ है, ए वाला इसमें रख दीजिए, फिर जो आंसर होगा वो हो जाएगा, तो जीरो टू पाई वाई स्क्वायर डीएक्स, यही है ना, तो रखते हैं, ऊपर से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इन सब का काम खत्म हो गया। अब हमें पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इस फंक्शन को उठा के रख दीजिए, वाई स्क्वायर था ना, तो प्लस माइनस हमारा था रूट टू बाई पाई साइन, अब हमने एन का वैल्यू एक्स निकाल वन निकाल दिया, तो इसको डायरेक्टली स्क्वायर करके डीएक्स कर दीजिए, यही था ना। अब इसका जो आएगा, अब तो आपने सब कुछ पुट ही कर दिया, तो ये आपका एक्सटर्नल आ जाएगा, सॉरी एक्सटर्नल वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्या होगा, अच्छा यहाँ से फिर से चीज हो जाएगा, तो ये टू बाई पाई हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली बाहर ले ले रहा हूँ, जीरो टू पाई हो जाएगा। हाँ बोलिए, आई का वैल्यू ये वाई प्राइम स्क्वायर डीएक्स था, जीरो टू पाई वाई प्राइम स्क्वायर डीएक्स। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, एन को तुमने वन पुट कर दिया, यही चीज होगा कैलकुलेशन, मुझे लगा कि वाई उसका पूछ रहा है तो मैंने इसलिए उसका कर दिया, कोई बात नहीं। अब इसके जगह रख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से उसी फॉर्मूले में जाइए जो हम लोग उस टाइम किए थे, ठीक है। तो वहां से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, अब ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो सबको समझ में आ ही गया है। तो इस टू बाई पाई को मैं बाहर रख ले रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ, हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, यही होता है क्या फॉर्मूला, इतना हो जाएगा इस टू को, ए टू से तो टू कट ही जाएगा ना, इंटीग्रेशन बाद में हम करते हैं, तो टू से टू कट जाएगा, तो यहाँ पे वन हो गया, और वन का इंटीग्रेशन वन, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स अपॉन में टू, जीरो टू पाई। ओके ओके, यही कुछ चीजें आपको याद रखना था, वन बाई पाई हो गया, अब पाई रखेंगे तो इधर पाई और साइन तो पाई, तो फिर इसे जीरो दे देगा, ये प्लस जीरो, और जीरो रखेंगे तो प्लस जीरो, सॉरी माइनस जीरो, और जीरो पे साइन जीरो दे देगा तो माइनस जीरो, तो पाई बचा तो पाई से पाई कट गया, तो इसका एक्सट्रीमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है ये वन देगा, ठीक है। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू ही वन क्यों देगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि मिनिमम दे रहा है कि मैक्सिमम दे रहा है। अच्छा, ये समझ में आया ना सबको कि यहाँ पे हमारा आंसर वन आ गया, कितना मतलब इन सारे कैलकुलेशन के बाद। अब इसमें स्क्रीन को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपका वन कौन है, एक है बस खत्म का, तो आपका इसमें वन ट्रू हो जाएगा। ये था आपका 4.75 मार्क्स का। अब आपने अब तक जितना किया है, अब क्या करेंगे, सबको कंसेप्ट समझ में आएगा ना, मैंने दो क्वेश्चन कराना, इन सारे क्वेश्चन का फिर से अपने लेवल पे करेंगे और इनको क्विकली सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे जो पूछा हुआ, कोशिश करिए कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन उन्हीं का प्रैक्टिस करिए, नए क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन रिपीटेडली आपका पूछा हुआ है, 2014 दिसंबर में पूछा था,
ठीक है, मैं वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो। अब मान लीजिए आप नया क्वेश्चन कर रहे हैं और उस टाइप कोई मतलब ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहा। 2014 दिसंबर बोला ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पीछे एक वीडियो में मैंने दिखाया था, फिर भी यहाँ पे एक बार। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वाई टू मतलब सॉरी सी टू मतलब टू टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। ओके, अब आप एक बार ध्यान से देखिए, गिवन क्या है, वाई जीरो पे जीरो एंड पाई पे जीरो। ओके, अब पिछला क्वेश्चन में आइए, गिवन एट वाई जीरो पे जीरो वाई पाई पे जीरो। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या है, जीरो टू पाई वाई स्क्वायर डीएक्स एंड आपको गिवन एक्सटर्नल फंक्शनल क्या है, जीरो टू पाई वाई डैश स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए सब्जेक्ट टू क्या है, सेटिस्फाइंग, यहाँ पे सब्जेक्ट टू ने लिखा है सेटिस्फाइंग, मतलब वही बात हुआ, सब्जेक्ट टू जीरो टू पाई वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, इसमें भी वही था वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। अब आपको फंक्शनल जो दिया है जीरो टू पाई वाई डैश स्क्वायर, इतना यहाँ पे भी देखिए जीरो टू पाई वाई डैश स्क्वायर, ए टू जेड दिया है, एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल दिस। अब इसको एक्सट्रीमाइज कर रहा है कौन, तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ एक्सट्रीमाइज फंक्शन पूछ रहा है और यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा वैल्यू पूछ रहा है, मतलब जो हमने थोड़ा देर पहले निकाला था आपको याद होगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट टू बाई पाई साइन एक्स आया था। ओके, और वही आंसर यहाँ देखिए यही पूछ दे दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं फर्स्ट एंड सेकंड आप नहीं कर सकते, अब आपको चेक करना होगा। ठीक है, अब चेक करने के लिए क्या है, देखिए वो तो हुआ था कि डिस्कार्ड हो गया, मतलब ये दोनों आपको अगर याद है तो आप डायरेक्टली इसको छांट सकते हैं कि हमारा कॉस में नहीं आ रहा था, लेकिन याद तो नहीं रहेगा ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इन कंडीशन देखिए जो एक्सट्रीमल होता है ना आपका, वो गिवन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, भूल जाए बाउंड्री कंडीशन, कुछ भी जो कंडीशन दिया है ना इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर जो सेटिस्फाई नहीं किया एक्सट्रीमल होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप इन पे देख लीजिए, इन पे देखिए जीरो पे क्या दे रहा है, जीरो और पाई पे जीरो, ये जीरो पे क्या देंगे महाराज, जीरो कभी नहीं देंगे, अभी महाराज कभी जीरो नहीं देंगे, तो अभी ये खत्म हो गए, सिर्फ इतना से दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे आप ये दोनों देखेंगे तो इस पे भी सेटिस्फाई करेंगे, इस पे भी सेटिस्फाई करेंगे, इस पे भी कर जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है। अब आपके पास होता है कि आप इसको करेंगे कैसे। ठीक है, जो मैंने प्रोसीजर बताया उसी के अनुसार करेंगे, अब आपका क्या है होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आपका होमवर्क है, अब इसको देखेंगे इन दोनों में से कौन सा हमारा एक्सट्रीमाइजिंग होगा, और मतलब कौन सा क्या पूछ रहा है, एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन, हाँ कौन सा एक्सट्रीमाइजिंग प्लस होगा माइनस होगा या दोनों होगा। क्लियर, एक चीज और बता दो, उसमें मैंने बताया था कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम, जैसे यहाँ तो आइसोपेरीमेट्री का प्रॉब्लम था ना, अगर सिंपली ले लो, जैसे मान लो कि हमारे पास ये दिया हुआ है, तो ये मिनिमाइज मतलब इस पे मिनिमम वीक मिनिमम होगा स्ट्रॉन्ग मिनिमम होगा क्या होगा वो सब देखना होता था, तो उसके लिए मैंने कुछ बताया था, अगर इसको एफ मान रहे हैं तो वाई डैश निकालो। अब ये देखो जो भी आया वो पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके वजह से निगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, निगेटिव होगा तब वीक मिनिमा या स्ट्रॉन्ग मिनिमा की बात करोगे या जो भी है इस टाइप की बात करोगे। फिर अगर फॉर ऑल वाई डैश के लिए हो रहा तो उसके लिए अलग मीनिंग बन जाता था, कुछ वाई डैश पे डिपेंड कर रहा तो फिर उसके लिए अलग मीनिंग था। तो जो फिफ्थ लेक्चर था उसमें मैंने यही चीज को डिस्कस किया था, तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा 19 दिसंबर हम लोग कर रहे थे ना, 19 दिसंबर में दो क्वेश्चन कर लिए, तो आपका अब तक कितना मार्क्स हमने कर लिया, 3 मार्क्स, 4.75 मार्क्स, और कोई भी थ्योरी नहीं लगाया, इन जनरल किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं, पिछला वाला क्वेश्चन में जो 2014 का पूछा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है वाई बिलोंग्स टू सी टू जीरो पाई। ओके ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या स्टेप का दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है बैक टू बैक एकदम, आते हैं देखते हैं। अच्छा मेरे को फिजिक्स नहीं आता, लेकिन जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए हिंट दे दूं मैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये जो क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला इस टाइप के हैं, एक लैग्रैंजियन इक्वेशन है एक और इक्वेशन है, और उन्हीं दोनों में से घुमा के पूछता है, कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता। तो जिनका फिजिक्स अच्छा होगा वो ये देख लेंगे, ये देखो फिर से एक क्वेश्चन मिलेगा 4.75 मार्क्स का, इससे पहले हमने किया 4.75 मार्क्स, इससे पहले किया 3 मार्क्स, टोटल जोड़िए। अब बिना मेहनत का करने वाला है, वहां पे मैंने C2 दिखाया, यहाँ पे C4 दे दिया, मतलब 4 टाइम कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन फॉर द फंक्शनल दिस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू नहीं दिया, यहाँ पे क्या है इसका ट्रिक,
नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। अब अगर ए वाला आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फिर से आके आगे आके लटक जाओगे। इसमें भी आप वही कंसेप्ट यूज करोगे, पहले देखो कि जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा इस बाउंड्री कंडीशन को वो बाहर हो जाएगा। जीरो पे जीरो 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 सभी जीरो देंगे, वन पे जीरो जीरो वन प्लस वन टू माइनस जीरो ये सारे, तो मतलब बाउंड्री कंडीशन से आप यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सेटिस्फाई कर रहा था कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं सेटिस्फाई करता तो आप डिस्कार्ड कर देते। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली लगाते हैं फॉर्मूला अपना वाला। एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई डबल डैश का होल स्क्वायर दिया है माइनस टू वाई। क्लियर सबको यहां तक? अच्छा एक सेकेंड, ओके कहां गया मेरा, ठीक है ये हुआ। अब यहां से आयलर इक्वेशन लगाइए। अब आयलर इक्वेशन यहां सेकेंड ऑर्डर वाला लगेगा, हमने जो किया था फर्स्ट ऑर्डर का था। फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, डेल एफ अपन में डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपन में डेल वाई डैश। अब क्या करिए ना, इसको एक टर्म और बढ़ा दीजिए, मतलब इतना किए ना, ठीक है। इसमें अगला टर्म क्या जुड़ जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स और डेल एफ का अब किसके रिस्पेक्ट में, y डबल डैश के रिस्पेक्ट में। अब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पहले यहीं तक जीरो होता था लेकिन जेम ये सेकेंड ऑर्डर का है, अब ये चीज आपने ऐड कर दिया, हो गया। अब अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का पूछे तो माइनस प्लस फिर से माइनस क्या हो जाएगा, डी क्यू अच्छा स्क्वायर है डी क्यू, अब यहाँ पे इसका वाई ट्रिपल डैश के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट फॉर्मूला है या ट्रिक है, जो भी याद करने का आप जैसे भी याद करें, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि आप जो है इसको याद किए रखिए। सेकेंड ऑर्डर का आता है अल्टरनेट साइन बढ़ाते जाइए, माइनस था तो प्लस कर दीजिए, अब इसका ऑर्डर बढ़ा दीजिए, फिर तीन डिग्री का हुआ तो फिर अल्टरनेट साइन माइनस रखिए, फिर बढ़ाते जाइए, इसे करते चले जाइए इनफिनिट तक जितना काम होगा, ओके। तो हमें दो ही मैक्सिमम दो ही तक पूछा हुआ है, तीन तक नहीं पूछा हुआ है। सेट में भी मैंने देखा गुजरात सेट और कुछ सेट में है महाराष्ट्र सेट, उसमें भी दो ऑर्डर तक ही पूछा हुआ है, तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिमाचल प्रदेश सेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब निकालिए इस इक्वेशन में पुट करिए। तो अच्छा हमने जो थोड़ा देर पहले किया क्या था, फॉर्मूला में भूल गया ना, फॉर्मूला आपका ए था, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस टू। अच्छा वाई डैश के तो इसमें फंक्शन ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना हो गया प्लस डी स्क्वायर बाई डी एक्स, वाई डैश के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। क्लियर, ओके। दोनों में दो है तो दोनों में से दो को गैप कर दे रहा हूँ, तो ए हो जाएगा आपका, ए डबल डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ से वाई सॉरी फोर, अच्छा इसी के लिए देखिए यहाँ पे फोर टाइम डेरिवेटिव टू से टू कट गया, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये फोर टाइम डिफरेंशिएबल इसीलिए चीज दिया था, अगर ये चीज नहीं देता ना तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो वैसे भी समझिए ना, ये नहीं भी दिया रहना चाहे दिया रहे, उसे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली इसको सोल्व करो और आगे। ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्टिव एग्जाम लिखना है कि आप ये नहीं लिखोगे तो काट देगा, अगर ये नहीं देगा ना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो वो अपना सपोर्ट दिया है, बाकी इसे कोई मतलब नहीं है ज्यादा, इसका ज्यादा काम नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से आप लोग इजिली सोल्यूशन निकाल सकते हैं, फटाफट इंटीग्रेशन करते जाइए और देखिए निकलते जाएगा। अब फोर टाइम है, थ्री टाइम करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ए, अच्छा ए क्या हो जाएगा, वाई फोर टाइम डिफरेंशिएबल इक्वल टू वन, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस सी वन, फिर से इंटीग्रेशन करिए तो टू टाइम इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, फिर से इंटीग्रेशन करिए वन टाइम डेरिवेटिव इसका हो जाएगा सॉरी तीन नीचे तीन दिन आगे छः सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू एक्स प्लस एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा। अभी है ना फिर से इंटीग्रेशन करिए दबा के इसको बैक टू बैक, ये हो जाएगा। अब आया हमारा वाई, ये क्या आ गया एक्स पावर चार और ट्वेंटी फोर प्लस सी वन एक्स क्यूब सिक्स प्लस सी टू। आई थिंक इंटीग्रेशन में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? यस सर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ गया, अब यहाँ पे आ गया तब कुछ नहीं करना है, अब तो करना क्या है, इनको आप रख के देखिए जो दिया हुआ है ना बाउंड्री कंडीशन। अच्छा दो वेरिएबल जीरो मतलब दो टर्म दिया है हमारे पास, चार टर्म आ रहे हैं ना सी वन सी टू सी थ्री सी फोर,
तो इसका मतलब यहाँ से तो दो ही टर्म गायब होगा, मतलब हमें कुछ और काम करना होगा। तो एक बार देखते हैं, पहले जितना दिया उसमें से गायब करते हैं। अच्छा भूल गया मैं क्या दिया था, जीरो और वन पे वन है, जीरो है ठीक है। तो वाई जीरो पे जीरो है, इम्प्लाई क्या करेगा, यहाँ पे रखिए इसको इक्वेशन वन में नाम दे दे रहा हूँ। तो ए दे देगा जीरो इक्वल टू सी फोर, क्लियर। उसी तरह वाई वन पे भी जीरो है, तो ए क्या दे देगा, इधर हो जाएगा जीरो, इधर हो जाएगा वन बटा ट्वेंटी फोर प्लस सी वन बाई सिक्स प्लस सी टू बाई टू प्लस सी थ्री। सी फोर तो जीरो ही है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका तो काम अपने पास कोई है नहीं अभी, इसका पड़ेगा भी नहीं, बस हमें निकालने तक पहुंचना था, इसकी हेल्प लेना था। ऐसे आप करेंगे ना, इंटीग्रल इक्वेशन भी एक ही दिन का है, तीन से चार घंटा लगेगा रिवीजन करने में, और उसमें भी 12.5 मार्क्स तक आप इजीली गेन कर सकते हैं। मतलब आपका सीओ भी और इंटीग्रल इक्वेशन, आप मैक्सिमम लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। आप देखिए 25 मार्क्स, यहाँ पे एक मार्क्स मैंने रखता है, यहाँ पे तो मैक्सिमम 25, और मिनिमम मार्क कुछ 15 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा आराम से, हंसते खेलते कोई नहीं। जैसे होता है ना पढ़ाई, आप गाना सुनते हो भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आगे अभी हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो अब आगे कैसे करें, फिर से कुछ दिमाग लगाते हैं। अब असली जो काम है, जो बहुत लोग गलती करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन था। अच्छा एक काम पड़ेगा, इसको रखता हूँ अभी, काम क्या पड़ेगा क्योंकि तीन वेरिएबल है ना, तो कौन सा वाला काम पड़ेगा अभी नहीं पता। अच्छा इसे बैक नहीं होगा, बस मैक्सिमम यहीं तक होगा, कोई बात नहीं, इतना से हम लोग काम चला लेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके अब एक बार क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द एक्सटर्नल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एट जीरो एंड वन टुगेदर विद द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। ये जो है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अगर ये चीज नहीं पता तो आप ठाठ फीस हो जाएंगे। तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, पहले मैं वो बता दे रहा हूँ, जानने के बाद बहुत आसान लग जाएगा। नेचुरल बाउंड्री कंडीशन अब किस पे कह रहा है, मान लो कि एक्स नॉट और एक्स वन पे कह रहा है। यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन क्या दिया हुआ है, ए जीरो और वन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना हमें, ओके ठीक है, जीरो एन वन दिया हुआ। तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन कहता है कि जो हमारा एफ लिया था हमने वाई डबल डैश एट दिस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब जिस पे भी हो, एक्स नॉट पे कह रहा है तो एक्स नॉट कर लीजिए, यहाँ पे जो भी कंडीशन दिया होगा तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया तो जीरो ले लीजिए। अब दोनों पे कह रहा है ना हमारे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है टुगेदर विद द, देन द एक्सटर्नल इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एट जीरो एंड वन, जीरो एंड वन परसेंट टुगेदर विद, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं और साथ में बाउंड्री कंडीशन भी कर रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्यों दिया है आपको, क्योंकि अगर आप इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे तो सिर्फ आप दो ही वेरिएबल, मतलब दो ही कॉन्स्टेंट को हटा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सी4 एक हटा दिया और इनमें से मान लो एक हटा देंगे, फिर भी हमारे पास दो बच जाएगा ना, तो उन दिनों को कहाँ से हटाएंगे, इस चीज की हेल्प से हटाएंगे। तो एक बार एक्स वन इक्वल टू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो लीजिएगा और एक बार एक्स वन इक्वल टू वन लीजिएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो बस हो गया कैलकुलेशन, तो करते हैं। हमारे पास एफ क्या दिया था, एक बार देख लेता हूँ, मैं भूल गया, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस टू वाई, नहीं था ना, वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस टू वाई, ठीक है। अब इस पर नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लगाइए, एक तो था जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, दूसरा था एक्स वन इक्वल टू वन, ओके। तो डबल वाई डबल डैश यहाँ से क्या दे देगा, सॉरी एफ वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ए दे देगा आपका टू वाई डबल डैश, क्लियर, यही देगा क्या, यस सर, ओके। अब मैंने इसको बोला कि ए जीरो होगा, यही था ना, इसका मतलब टू वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो, यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, फिर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा एक्स प्लस बी, नहीं नहीं एक सेकेंड, y डबल डैश हम निकाल रहे हैं ना, x² / 2 + c1 x + c2, हां हां अच्छा ये डबल डैश निकला हुआ है ना, तो इसको जीरो कर दीजिए, यहां से हमें एक कंडीशन पता चल गया ना, ठीक है। अब इसको इक्वल टू जीरो कहां पे करना है, ए पहला कंडीशन पे, इसको हटाने की करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व मत करिए, ए y डबल डैश हमें जो दिया हुआ है उसको उठा के लिख दीजिए, क्या दिया हुआ है x² / 2 + c1 x, इसको सोल्व नहीं करना है ना, जो हमारे पास दिया हुआ है इसको अभी कहाँ पे देगा, जो हमने जीरो वाला पे ले रहे हैं ना इस पे,
a इक्वल टू जीरो दे देगा, और उसी तरह इसको करिए तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, इधर से तो सेम ही आता जाएगा, सेम ही आता जाएगा, यहाँ तक सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू ए बराबर जीरो दे देगा, कहाँ पे एक मतलब एक्स बराबर वन पे, इसको जीरो हटा दीजिए, जीरो मतलब सॉरी एक्स इक्वल टू इतना, ठीक है। एक बार देखिए ये जीरो रखेंगे तो यहां से सी टू डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, इधर तो काम हमारा आसान हो गया, तो सी टू जीरो तो इसका मतलब ये काम खत्म इसका, तो इतना बचा तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस सी वन बाय इक्वल टू जीरो, इतना आएगा क्या? यस सर। तो यहां से सी वन हो जाएगा आपका माइनस हाफ। एक बार ना मैं सारे वेरी इन कॉन्स्टेंट्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर से हौच पौच हो जाएगा। तो हमारा चार थे, सी वन क्या आया माइनस वन बाई टू, सी टू क्या आया जीरो, सी थ्री क्या आया, सी थ्री तो निकाला ही नहीं, सी फोर क्या आया जीरो, यहाँ पे सी फोर था ऊपर में, तो सी थ्री तो निकालना पड़ेगा ना, तो सी थ्री निकाल लीजिए, सी थ्री किसी इसी से निकलेगा ना। ओके तो मैं आप लोग कैलकुलेट करिए तब तक मैं मिटाता हूँ। तब यहाँ से वाई देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कर दिए ना, देखो आपका जीरो ए होगा और जीरो ए होगा, मतलब एक्स फोर एक्स क्यू एक्स एक्स फोर एक्स क्यू, ओके हमारे पास ए आ गया कंक्लूजन। अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक सेकेंड, ओके मैंने ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया ना, इसको छोटा सा लिखता हूँ, रुक जाइए, एक्स फोर बाई ट्वेंटी फोर माइनस एक्स क्यू बाई ट्वेल्व प्लस एक्स बाई ट्वेंटी फोर, यही चीज है। ओके अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, बाउंड्री कंडीशंस, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, अगर जिसको नेचुरल बाउंड्री कंडीशन नहीं पता होगा वो फंस जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही थे, एक आपको देखा होंगे कि अब तक हमने जितना भी किया आयलर इक्वेशन एक लगा है और एक बाउंड्री कंडीशन और लगा, तो हमारा वाई इक्वल टू है ना, तो ट्वेंटी फोर बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स फोर माइनस टू एक्स क्यू प्लस एक्स, इतना आएगा क्या, जो भी ऑप्शन ऑप्शन थ्री, तो सबका ऑप्शन थर्ड आया है क्या, ट्रू? यस सर। ओके एनीवे तो यहाँ पे देखिए ए जैकोबी नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। शायद लास्ट वीडियो में जो मैक्सिमम मिनिमम वाला क्या था ना, इसमें क्या है आपका ए वाई वाई डैश ए निकालना है, और मैं शुरू में बोला था ग्रेटर देन लेस देन और फॉर ऑल वाई डैश या वाई डैश पे डिपेंड कर रहा है, उसी को हम लोग जैकोबी नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब उसी के बेस पे हमें आंसर बताना है, तो ए उसमें मेंशन है, तो इसको मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस हिंट दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उस प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें भी देखिए दो क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन उस टाइम हम लोग जो खोले थे ना मिला था, ए मिल गया। इसमें भी देखिए इसमें मिनिमाइजर मैक्सिमाइजर की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, तो ए भी जैकोबी कंडीशन पे है कि अगर ए क्या होगा यहाँ पे निकालिए तो वाई डैश के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम करेंगे तो एक सेकंड वाई डैश प्लस टू कितना हो जाएगा, और फिर से करेंगे तो टू हो जाएगा, तो टू हुआ और ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, मतलब ए आपका वाई डैश से थ्री हो गया, तो वाई डैश से थ्री हो गया तो ए आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा मिनिमा, तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ठीक है। ए जो को भी कंडीशन है तो इसमें अब इसमें देख लीजिए स्ट्रॉन्ग मिनिमा तो बोल रहा है स्ट्रॉन्ग मिनिमा का, जब वाई डैश पे डिपेंड ही नहीं किया तो आपका कोई भी एक्सट्रीमाइजर होगा क्या होगा ऑलवेज मिनिमाइजर होगा, तो एवरी एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे जे इज मिनिमाइजर, बिल्कुल अब कोई भी, क्योंकि देखिए वाई डैश पे डिपेंड करता है, फिर हम निकालते हैं कि किस रीजन में हो रहा है। अच्छा जब ए पाला हुआ तो दूसरा गलत हो गया, जैसे हमने यहाँ पे क्योंकि मैंने कितना टाइम लिया ए देखा, यहाँ से एक कंडीशन चेक किया, यहाँ से हमारा प्लस टू आया, प्लस टू ग्रेटर देन जीरो आ गया, अगर मान लो कुछ टू वाई डैश आता तब फिर मैं देखता कि वाई डैश के किस वैल्यू के लिए या वाई के किस वैल्यू के लिए कंडीशन होल्ड करेगा, तब फिर मैं यहाँ पे सोचता, लेकिन यहाँ पे मेरा तो डायरेक्टली टू आ गया, तो टू ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव जब भी इस टाइप का आ जाता है मतलब जो वाई डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा तो सीधे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब ग्रेटर देन है तो मिनिमा, लेस देन है तो मैक्सिमा, तब जब स्ट्रॉन्ग हो गया तो फॉर ऑल हो गया। तब यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि एवरी एक्सट्रीमाइजर मतलब जो भी एक्सटर्नल फंक्शन होगा सभी मिनिमाइजर होंगे, बिल्कुल होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है,
कोई मतलब ही नहीं बनता कि वाई डैश पे डिपेंड करे या वाई पे डिपेंड करे. जब पहला ट्रू हुआ था दूसरा गलत. अब बोला देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे विच इज नॉट मिनिमाइजर. अच्छा एक्सट्रीमाइजर तो मिलेगा ही नहीं, एक्सट्रीमाइजर की बात कर रहा है ना, क्योंकि हमारे तो स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब सारे मिनिमाइजर होंगे, जो भी एक्सट्रीमल होगा सारे मिनिमाइजर होंगे. तो बोला एक ऐसा मिलेगा जो मिनिमाइजर नहीं होगा. ठीक है गलत बात, क्योंकि वैसा होता ना तो ये जो हमारा ए निकलेगा कुछ वाई डैश का फंक्शन निकलेगा, तो वैसा नहीं है. तो मतलब ये भी गलत हो गया. बोला देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमाइजर ऑफ जे विच इज नॉट मैक्सिमाइजर. बिल्कुल ऐसे एक नहीं हजारों मिल जाएंगे आपको. अब इसको सोल्व करके देखना है तो मैं आपको हिंट बता देता हूँ. जो आयलर इक्वेशन था किसके लिए, जो यहाँ पे देखिए इसमें x के एक भी टर्म नहीं है ना, तो जो x से फ्री वाला था समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था वो लगाइएगा तो आपका निकल जाएगा, और उस केस में देखेंगे कि ये चीज आपका ट्रू हो रहा है. बाकी मेरे ट्रिक से फॉलो करेंगे तो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस लगाइए इस दोनों के बेस पे. अब इस पे देखिए जब फॉर ऑल हो रहा है तो ये बोल रहा है कि एक ऐसा मिलेगा जो मिनिमाइजर नहीं होगा, गलत, क्योंकि हमने फॉर ऑल कर दिया. फॉर ऑल कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास एक नहीं बहुत सारे ऐसे मतलब एक्सटर्नल फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जो मैक्सिमाइजर नहीं होंगे. इस टाइप से आपको क्विकली करना है और यहाँ से आपको 4.75 यहाँ पे आप टाइम अपना बचा सकते हैं. तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी मैं